हेलो फ्रेंड, वेलकम टू कंप्यूटर अवेयरनेस। आज के इस टॉपिक में हम कवर करेंगे हाउ टू रन एंड कंपाइल सी प्रोग्राम यूज्ड टू टर्बो सी एडिटर। फॉर रनिंग सी प्रोग्राम यू नीड टू टर्बो सी एडिटर। फर्स्ट यू ओपन टर्बो सी एंड राइट कोड। कंपाइल एंड रन। हाउ टू कंपाइल एंड रन सी प्रोग्राम। फॉर कंपाइल एनी सी प्रोग्राम यू जस्ट प्रेस ऑल प्लस F9। After compilation of your program, you see your C program, you press Control plus F9 you for run your C program. यानी हमें compile और run कैसे करना है वो सीखेंगे आज हम। फिर यहाँ पे compilation के लिए हम Alt plus F9 या तो हम menu में जाके Alt plus menu में जाके compilation options पे हम click कर सकते हैं। यानी run करने के लिए Control plus F9 यानी ये क्या है, एक शॉर्टकट की है। चलो हमने पहले बताया कि टर्बो सी यानी हमें क्या करना है, यानी प्रोग्राम को लिखने के लिए हमें सबसे पहले तो हमारे पास क्या आना चाहिए, टर्बो सी एडिटर आना चाहिए। फिर इसके बाद उसको ओपन करना है, यहाँ वहाँ पे क्या करना है यानी कोड लिखना है, यानी जो सोर्स कोड है वो लिखना है। हम यहाँ से टर्बो सी को ओपन करेंगे। टर्बो सी ओपन हो गया। फाइल मेन्यू में जाएंगे, न्यू फाइल लाएंगे। यहाँ पे हम सबसे पहले उसमें क्या क्या करेंगे, कोड को लिखेंगे, फिर इसके बाद कंपाइल करेंगे, इसके बाद रन करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पे फ्रेंड्स यहाँ पे हमने क्या लिखा, सोर कोड लिख लिया। इनके बारे में तो हमने पहले वाले जो वीडियो में हमने बताया था कि यानी सिंपल सा एग्जांपल कैसे लिखना है उसके बारे में। आज हम यानी एडिटर्स यानी टर्बो सी एडिटर सॉफ्टवेयर यूज़ करके हम प्रैक्टिकली करेंगे। यहाँ पे एच इंक्लूड एस टी डी आई ओ डॉट एच क्या हेडर फील्ड है, यानी जो प्री डिफाइनिंग फंक्शंस को यूज़ करने के लिए हम यानी इस्तेमाल करते हैं। फिर इसके बाद एच इंक्लूड कोनोड और एच, ये भी क्या है, एक हेडर फील्ड है जो प्री प्रोसेस। एच इंक्लूड क्या है, एक प्री प्रोसेसर से जो प्री डिफाइनिंग फंक्शंस को यूज़ करने के लिए कोनोड और एच में यानी हम एच इंक्लूड लगाते हैं। फिर इसके बाद वाइट मैन, फिर इसके बाद यहाँ से ये मेन फंक्शन से इसी से प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन स्टार्ट यहाँ से होती है। कर्ली ब्रेस ओपन और कर्ली ब्रेस क्लोज हमने पहले भी बताया था स्ट्रक्चर्स ऑफ सी में। फिर इसके बाद प्रिंट एफ यानी ये क्या है, एक स्टार्टमेंट है प्री डिफाइनिंग फंक्शन से जो कहाँ पर मौजूद होते हैं stdio.h में, यानी जो हम वहाँ पे हैच इंक्लूड लगाते हैं किस लिए, यानी ऐसे प्री डिफाइनिंग फंक्शंस को इंक्लूड करने के लिए, हेडर फाइल में इंक्लूड करने के लिए हम हैच इंक्लूड लगाते हैं जो हेडर फाइल में यहाँ पे। फिर इसके बाद गेट सी एच, ये भी एक प्री डिफाइनिंग फंक्शन से जो कोनो डॉट एच में मौजूद आते हैं। हमने यहाँ पे एक सिंपल सा यानी स्टार्टमेंट लिखा, हेलो दिस इज़ माई फर्स्ट प्रोग्राम। इसको हम स्क्रीन पर कैसे प्रिंट करेंगे हम उसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले हम इसको सेव करता हूँ, यहाँ पे
कोई भी नाम लिखो। हेलो डॉट सी लिखा। हेलो हमारा फाइल नेम है डॉट सी, इसका एक्सटेंशन से। ओके हो गया हमारा यहाँ पे हेलो डॉट सी नाम पे हो गया सेव। अब इसको हम सबसे पहले कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने के लिए हमने शॉर्टकट किस बताया, या तो हम ऑल प्लस F9 प्रेस कर सकते हैं या तो हम कंपाइल ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। कंपाइल किया, वन एरर। देखेंगे हम कहाँ पे एरर है, यहाँ पे है। conio.h आ गया। कंपाइलेशन से हमें क्या होते हैं एरर्स पता चलता है। एरर्स कुछ भी नहीं है। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, रन करेंगे। रन करने के लिए हमने शॉर्टकट कीज़ बताई, या तो हम कंट्रोल प्लस F9 लगाते हैं या तो हम मेन्यू में जाके रन ऑप्शंस पे हम क्लिक कर सकते हैं। रन हो गया। हेलो दिस इज़ माय फर्स्ट प्रोग्राम। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को समझ में आया होगा कि हाउ टू रन एंड कंपाइल सिंपल सी प्रोग्राम। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट वीडियो।